हॉस्पिटल की वो शख्सियत हैं और पाकिस्तान की वो शख्सियत हैं जिनके बारे में आप सबको मालूम है, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। और जो काम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हो रहा है वो आप सबको नज़र आ रहा है कि डॉक्टर आसिम साहब ने किया, मसरूर हसन साहब जो ज़िले के सदर हैं और वैसे तो सेनेटर भी रहे और कराची के सदर, और माशाल्लाह जो खिदमात मसरूर हसन साहब की हैं, ताज सलीम साहब डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल, जो खिदमात इनकी हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी और डिप्टी कमिश्नर भी, वो सब आपके सामने हैं। आज सब हम लोग जो जमा हैं इन फायर फाइटर्स के साथ, वो सब वो रात मुझे याद है, आज मैं शुरू यहाँ से करता हूँ, वो रात मुझे याद है कि डीसी साहब एडमिनिस्ट्रेटर जो थे ताज सलीम साहब हमारे साथ थे और डॉक्टर आसिम हुसैन एक एक मिनट पे हमारे रास्ते में थे जब वो आग लगी थी, और डॉक्टर आसिम हुसैन साहब एक एक मिनट की इत्तला हमसे ले रहे थे। लेकिन जो अल्लाह को मंजूर था ये लोग शहीद हुए, इन्होंने वाकई वो काम किया है जो जिनके दर्जात बहुत बुलंद करे, अल्लाह और शहीदों के दर्जात बहुत बुलंद करता है। आज एक छोटी सी तकरीब, जिस तरह सज्जाद वजीर साहब ने कहा कि ये तो हम उनकी जानों को वापस नहीं ला सकते, आज उनकी फैमिलीज यहाँ बैठी हैं, सब लोग यहाँ बैठे हैं, हम उनकी जानों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो कारनामा जो चीज उन्होंने अंजाम दी है इस कौम के लिए इस मुल्क के लिए वो कभी रायगा नहीं जाएगी और उनके दर्जात इंशाल्लाह बुलंद होंगे। ये वो लोग हैं जो वाकई हीरो है इस कौम के, सरमाए है इस कौम के, और आज उनकी फैमिलीज यहाँ बैठी हैं, हम उनके साथ इजारे यकजहती करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये डिवोशन और जो वर्क है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो इस वक्त एक टीम काम कर रही है डॉक्टर आसिम साहब की सरबराई में, और जिस तरह सिंध गवर्नमेंट के अंदर से जो एक वक्त था कि 20 करोड़ या 25 करोड़ रुपए की एक ग्रांट मिल जाती थी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को, आज डॉक्टर आसिम साहब की काविशों से वो ग्रांट 19 अरब पे पहुंच चुकी है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर 19 अरब रुपए के काम होंगे। फैसल मोइज और बकिया ऑफिस बेरर नकाटी का बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे आज मधु किया। खुशी भी है और अफसोस भी है। खुशी ये है कि हम उन लोगों की कुछ मदद कर रहे हैं कम्युनिटी बेसिस पे बगैर सरकार की मदद के, कि हम लोगों की कुछ हेल्प करना चाहते हैं, हम उनको समझते हैं। अफसोस ये है कि वो हमसे बिछड़ गए, बेवाएं हैं, बच्चे हैं, भाई हैं, उन सब के चहेते उनके घर वाले उनसे बिछड़ गए। और वो बिछड़े क्यों? कौम की खिदमत के लिए, इस मुल्क की खिदमत के लिए, लोगों को बचाने के लिए। वो घोड़ों के पीछे थे जिससे वो चलते थे और हैंडपंप थी। उसके बाद इंग्लैंड में 1839-1814 में पहले स्टीम इंजन बने और उसके बाद ये टेक्नोलॉजी डेवलप करती गई। मैं और सी चीज़ों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन एक चीज़ मैं जानता हूँ कि इस मुल्क में जो टेक्नोलॉजी है, जो फायर इंजन हैं, जो केमिकल्स हैं, जो इक्विपमेंट है, वो कुछ अवेलेबल नहीं है। हम बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं, हम घर बनाए जा रहे हैं, लोगों को बसाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास अगर आग लग जाए तो बचाने का कोई तरीका नहीं है।